एवरीवन, हिंग कोच की तरफ से आप सबको हैप्पी मकर संक्रांति। तो मुझे याद आ रहा है कि मकर संक्रांति पर काइट्स फेस्टिवल भी होता है। काइट्स फेस्टिवल में कितने रंग बिरंगे काइट्स दिखते हैं, तो चारों तरफ आसमान में काइट्स दिखते हैं, पतंग दिखते हैं, तरह तरह के रंग वाले। तो आज हम जानेंगे कलरफुल इडियम्स और देखेंगे कि इसका यूज हम इस फेस्टिवल पर कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला कलरफुल इडियम है ब्लू से रिलेटेड, आउट ऑफ द ब्लू। इसका मतलब है रैंडमली, सरप्राइजिंगली, अचानक से अगर कुछ हो जाए तो आप इस इडियम का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाइल आई वाज फ्लाइंग काइट टुडे, आउट ऑफ द ब्लू आई सॉ एन ईगल। जब मैं आज काइट उड़ा रही थी, पतंग उड़ा रही थी, तो अचानक से मैंने एक बाज को देखा। हमारा अगला इडियम है ग्रीन से रिलेटेड, ग्रीन विद एनवी। इसका मतलब है टू बी जेलस, यानी अगर आपको अंदर से जलन वाली फीलिंग आ रही है या किसी को आप जलते हुए देख रहे हैं तो उन्हें आप कह सकते हैं ग्रीन विद एनवी। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ग्रीन विद एनवी बिकॉज माई फ्रेंड वोन द काइट कॉम्पिटिशन। मैं बहुत ही जल रही हूँ क्योंकि मेरे दोस्त ने काइट कॉम्पिटिशन जीत लिया है। ग्रे हेयर, ग्रे हेयर का मतलब है टू वरी टू मच। बहुत ज्यादा जब आप चिंतित होते हैं या एक ही चीज को बार बार सोचते हैं तो आप वहां पे ग्रे हेयर हो रहे हैं। कैसे? आई एम गेटिंग ग्रे हेयर थिंकिंग अबाउट टुमारोज मैच। कल के मैच या प्रतियोगिता को सोच सोच कर मेरे बाल ग्रे हो रहे हैं। तो यहाँ पे बाल ग्रे नहीं होते, आप ज्यादा सोचते हैं। The next idiom is related to the color red, caught red-handed. ये आपने अक्सर सुना होगा लोगों से। अचानक से जब किसी को कुछ करते हुए आप पकड़ लें, तो वहाँ आप कहते हैं caught red-handed. Example: I caught my brother red-handed while he was cheating during the competition. जब कंपटीशन हो रही थी ना, any kind of competition या फिर game, तो अभी के भी मकर संक्रांति है, तो मान लीजिए kite competition हो रही थी और आपके भाई ने चीटिंग किया, तो आप वहां पे कहेंगे आई कॉट माई ब्रदर रेड हैंडेड व्हाइल ही वाज चीटिंग ड्यूरिंग द गेम और ड्यूरिंग द कॉम्पिटिशन। मैंने अपने भाई को रंगे हाथ पकड़ा जब वह चीटिंग कर रहा था गेम के दौरान। टू बी ग्रीन, सो ग्रीन यहाँ हरा हो जाना, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अगेन इट इज एन इडियम, डोंट टेक इट लिटरली। टू बी ग्रीन का मतलब होता है अनट्रेंड या इमैच्योर। दोनों तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ अगर मैं बोलूं, माय फादर थिंक्स दैट आई एम ग्रीन टू फ्लाई अ काइट, मेरे पापा सोचते हैं कि मैं अभी अनट्रेन्ड हूँ या इमैच्योर हूँ, मुझे नहीं पता कि कैसे करना है या काइट कैसे उड़ाना है। द नेक्स्ट इडियम इज रिलेटेड टू द कलर ब्लैक, ब्लैक शीप। बचपन में एक पोयम सुना था, बाबा ब्लैक शीप, बट यहाँ पे ब्लैक शीप का मतलब काला भेड़ नहीं है। इसका मतलब है कि आप अगर किसी चीज से बहुत अलग दिखें, odd one out या फिर outcast, यानी भीड़ से अलग दिखना, तो you are a black sheep. For example, my big red kite was a black sheep among the other kites in the sky. मेरी बड़ी वाली लाल पतंग आसमान में बाकी पतंगों से काफी अलग दिख रही थी। So it was outcast or odd one over there. Now the next idiom is related to the word pink. Tickled pink. इसका मतलब है extremely pleased. जब आप बहुत खुश हो, तो you are tickled pink. For example, I was tickled pink when I won the kite competition. मैं बहुत ही खुश थी जब मैंने kite competition जीत लिया. The next idiom is have a yellow belly. Yellow belly यहाँ पे कहा जाता है जब कोई डरपोक आपको दिखे, बहुत ही डरा हुआ इंसान हो, या फिर कुछ काम करते वक्त अगर कोई डर रहा हो, यानी coward हो, तो आप उसे येलो बेली कहते हैं या हैव अ येलो बेली। माय फ्रेंड हैज अ येलो बेली व्हाइल फ्लाइंग काइट। मेरा दोस्त पतंग उड़ाते वक्त बहुत ही डरता है। तो ये थे गाइस कलरफुल इडियम्स। तो आज जब आप काइट्स फ्लाई करें तो जरूर आसमान में देखिएगा कि आज किस इडियम का यूज करके आप सेंटेंस बना सकते हैं, और जल्दी से मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक द वीडियो। We will come up again with a new interesting lesson soon. Stay tuned and do like, share and subscribe our channel. Till then, take care and happy learning.